सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्टिव्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप एसपी कैसे बन सकते हैं, कैसे आप एसपी बनकर अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि अपने करियर का चुनाव आप अच्छे से कर पाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं एसपी की फुल फॉर्म की। तो दोस्तों, एसपी की जो फुल फॉर्म होती है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, यानी कि दोस्तों पुलिस अधीक्षक होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या है कि यूपीएससी सीएसई जो एग्ज़ाम होता है उसको पास करना होता है, जिसको पास करने के बाद क्या है कि आप आईपीएस की पोस्ट आप प्राप्त करते हैं, जिसके बाद क्या है कि आप 5 वर्ष के अंदर क्या है कि पुलिस में क्या है कि एसपी आप आगे बन सकते हैं। इसी तरह से क्या है कि स्टेट लेवल पे क्या है कि स्टेट पीएससी की परीक्षा आपको पास करनी होती है, जिसके बाद क्या है कि आपको डीएसपी की पोस्ट जो है दी जाती है, जिसके बाद क्या है कि लगभग 10 से लेकर 15 साल के बाद क्या है कि आप एसपी बन सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, आप किसी भी जो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होते हैं उनसे क्या है कि आपका ग्रेजुएशन यानी कि दोस्तों स्नातक होना ज़रूरी होता है। अब वहीं दोस्तों, एज की बात करें तो दोस्तों, अधिकतम जो एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, वो जनरल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए क्या है कि 32 वर्ष रखी गई है। ओ बी सी जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए क्या है कि अधिकतम जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष रखी गई है। और वहीं दोस्तों, एस सी एस टी की जो अधिकतम जो एज लिमिट है वो क्या है कि 37 वर्ष रखी गई है। वहीं दोस्तों, फिजिकल फिटनेस की बात करें तो दोस्तों, इसके लिए क्या है कि जो भी कैंडिडेट है उसका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिसके बाद क्या है कि पुरुष अगर है तो उसकी न्यूनतम जो ऊंचाई है वो 165 सेंटीमीटर होना ज़रूरी होता है, और महिला की न्यूनतम ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों, वो 150 सेंटीमीटर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं दोस्तों, पुरुष जो कैंडिडेट है उसके लिए क्या है कि जो छाती होती है उसको 84 जो सेंटीमीटर होना ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि आरक्षित जो जाति के जो कैंडिडेट होते हैं ऊंचाई और छाती के अंदर क्या है कि कुछ सेंटीमीटर की उनको छूट दी जाती है। वहीं दोस्तों, नज़र की बात करें तो दोस्तों 6'6" और 6'9" होनी ज़रूरी होती है, यानी कि दोस्तों नज़र भी उनकी सही होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, इसके एग्जाम की बात करें तो दोस्तों, अगर आप क्या है कि यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के जरिए क्या है कि आईपीएस से एसपी बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या है कि यूपीएससी सिविल सर्विस जो एग्जाम होता है उसकी तैयारी आपको करनी होती है। और इस एग्जाम के बाद क्या है कि आप कम समय के अंदर क्या है कि एसपी बन सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आप क्या है डीएसपी पद से क्या है कि आप प्रमोशन पाकर क्या है कि एसपी भी बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है कि यूपीएससी सिविल सर्विस या फिर दोस्तों स्टेट पीएससी जो एग्ज़ाम होता है उसकी आपको तैयारी करनी होती है। वहीं दोस्तों, सैलरी वगैरह की बात करें तो दोस्तों, सैलरी इनकी काफ़ी अच्छी खासी होती है। एसपी की सैलरी की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि 15,600 से लेकर 39,000 रुपये तक सैलरी होती है, और इसके साथ साथ क्या है कि 7600 ग्रेड भी दिया जाता है। और इसके अलावा क्या है कि सरकारी जो अन्य सुविधाएं होती है वो भी इनको दी जाती है, यानी कि दोस्तों सैलरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी सैलरी इसके अंदर आपको मिलती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप एसपी बनकर अपना करियर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप सही सोच रहे हैं, आप एसपी बनकर अपना करियर जो है ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बताना चाहूँगा कि एसपी बनने से पहले आपको क्या है कि पहले आईपीएस या फिर दोस्तों डीएसपी के पद पर आपको क्या है कि रखा जाता है, जिसके बाद क्या है कि प्रमोशन के द्वारा क्या है कि आप क्या है कि आईपीएस से एसपी बन सकते हैं और डीएसपी से एसपी बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।